はい。सॉरी कह दूं क्या इसे? अनु, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगता है सुट्टा मारना पड़ेगा। मार गए, लगता है भगवान ने इसे मेरी जासूसी के लिए बनाया है। वैसे अब तो पकड़ा ही गया हूं। अनु 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 अनु, मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट। अरे बात सुनना यार, प्लीज सुनो। अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं, देखो। ओके, नो फिंगर्स। देखो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना, टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता, जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी। और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स, ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया, बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। ओनली फ्रेंड्स हियर। हेलो, ये सब यहां नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहां फूको। आओ भाई। कॉम्पिटिशन। अगर वाइन शॉप और पान की दुकानें नहीं होती तो मेरी तो वाट लग जाती। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ ओके। okay.
बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है। अच्छा वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं मैं हूं ही ऐसा। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूं। वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं बस वही देखना। अच्छा इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम कहां और मैं कहां, कहां राजा भोज और कहां गंगूते। तुझे बोला हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर। मैडम ऑर्डर प्लीज। या टू ब्लैक ऑफिस। ओके एंड टू स्प्रिंग रोल्स। ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम। एंड टू ग्रिल सैंडविचेस। श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Are you okay? सुन कह दो कि ग्रिल सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई हैदराबाद में नया हूं, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया। एक बार मना कर। ठीक है मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल सैंडविच। ओह, दैट्स ओके। टू रेड वेलवेट केक्स। कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है?
वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? Two. Two? Yeah. Hey, तू पहले अंदर आ। So, आपको कैसी लड़की चाहिए? कल बताया तो था, सीटी बजते ही कैश बंद करने को ना कहे, ऐसी लड़की चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा चाहिए? कुकर की सीटी बजते ही बिना बोले ही गैस बंद कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। ठीक है, अगर तुम जैसी लड़की मिल जाए तो कुकर तो क्या, सिलेंडर फाड़ के अंदर घुस जाए। बात तो कंप्लीट किया करो। ओ डैड का फोन है, आई हैव टू गो। बिना खाए जाएगी, सारे पैसे बर्बाद। आई विल ड्रॉप यू। नहीं नहीं, डैड को पता चल जाएगा, आई विल बुक अ कैब। आई विल बुक। आगे। बस अभी आता हूँ। वो नहीं देगा तो तेरी बचेगी। ध्यान से। ओके सर। बाय। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, प्लीज। अनु, मिस यू टू। अनु जल्दी से कॉफी बना दो, सिर फटा जा रहा है। क्यों बेटा, जी अंकल, तुम भी कॉफी पियोगे? ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता पापा। तो वही बना दो, तुम्हें तो बनानी आती है ना? बनानी आती हो तो भी वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं पिएगा। किसके साथ पीता है? क्यों? अनु रात के लिए राइस नहीं, चपाती बना देना बेटा। क्यों बेटा, चपाती ठीक रहेगी ना? ये स्प्रिंग रोल्स के अलावा कुछ नहीं खाता पापा। तो ठीक है, वही बना दो। लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता पापा, उसके लिए दूसरे लोग हैं। किसके साथ खाते हो तुम? लक्ष्मी। हाँ। उस दिन मंदिर से लाए हुए लड्डू है क्या? हाँ। एक मुझे और एक इसे दे दो। मुझे नहीं चाहिए अंकल, थैंक्स। और वो लड्डू? लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? रेड वेलवेट केक्स। वो भी हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता है तो फिर किसके साथ खाता है? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ। अन्नू को क्या हुआ है? पता नहीं अंकल। सुनो, खाना खा लो। नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया। क्या है ये बुलशिट? देखो बेटा, वो बुलशिट नहीं, ब्लू शर्ट है, उसे इंग्लिश नहीं आती ना। ब्लू शर्ट। ओके। मम्मा, बुलशिट का मतलब कैसी आफत आ गई, सही तो कहा मैंने, इंग्लिश आती है मुझे।